द वायरल फीवर पे भी जिसका चढ़ा बुखार, नाम है उसका जितेंद्र कुमार। कार किसने डाला? मालूम नहीं सर। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? नहीं है सर। देखिए औलाद, सॉरी सर। जीतू जो है ये IIT खड़गपुर से है, पक्का? पक्का, मैं डिग्री साथ लाया। जी हाँ, जीतू भैया जो जाने जाते हैं अपने करेक्टर एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, क्योंकि जिस किरदार को निभा देते हैं वो इनाम उनका पड़ जाता है। आज पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ जितेंद्र के बारे में फिल्मी फंडे में। IIT इसलिए करो क्योंकि टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है। लाइक हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और गूगल पे आजकल सबसे ज्यादा सर्चेबल हैं जीतू भैया, वो इसलिए कि ये जिस किरदार को भी अपना लेते हैं ऐसे अपना लेते हैं कि लोग बस देखते ही रह जाते हैं, और इसलिए ये अपने निकनेम जीतू भैया से ज्यादा फेमस हो गए। आज घर घर में पहुंच चुके हैं, बड़ी शानदार इनकी जर्नी है, इनकी कलाकारी और इनकी कहानी डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। क्योंकि कैसे एक छोटे से गांव से, राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकलकर वो यहां तक पहुंचे, जबकि वो IIT खड़गपुर से सिविल इंजीनियर है। जानना चाहते हैं कौन है जीतू भैया के वो सीनियर जिन्होंने उनको पहला चांस दिया? जितेंद्र को NSG में एडमिशन क्यों नहीं मिला? अरे एक्टिंग के लिए नौकरी छोड़नी पड़ी, और जब एक्टिंग करने आए तो नौकरी करनी पड़ी। ये दुनिया गोल है, लेकिन अगर आपके दिमाग में आपका गोल सेट है तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जीतू भैया का जन्म राजस्थान के अलवर के एक गांव में हुआ। पिताजी सिविल इंजीनियर थे, चाहते थे कि बेटा भी इंजीनियर ही बने। जितेंद्र पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, साथ में उन्हें एक और चीज का सबसे बड़ा शौक था और वो थी एक्टिंग। जितेंद्र को बचपन में एक्टिंग का मौका कहीं मिला भी नहीं, लेकिन फिर भी वो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और नाना पाटेकर की मिमिक्री किया करते थे और अपने दोस्तों को एंटरटेन किया करते थे। जैसा कि एक आम परिवार में होता है, जीतू ने अपने एक्टर बनने की इच्छा घर वालों के सामने कभी भी जाहिर नहीं की। जैसा कि आम घरों में होता है, हम और आपके घरों में होता है कि हम अपनी इच्छाओं को दबा कर रखते हैं, घर वालों को नहीं बताते। जीतू के साथ भी यही हुआ, लेकिन उन्होंने अपने एक्टिंग के गोल को दिमाग से निकलने नहीं दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अपने गोल के बारे में बार 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 सोचते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। लेकिन होता यह है, जो आप लोगों की प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आप एक्टिंग के गोल के बारे में कम सोचते हैं और एक्टिंग में असफलता के डर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ पर हमारे जीतू भैया पहुँच गए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पैशन के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ सोचते रहें। जीतू पढ़ाई में अच्छे थे तो वह IIT एंट्रेंस की तैयारी के लिए कोटा चले गए। एक्टर के बारे में एक बात कही जाती है, अच्छे एक्टर के बारे में, कि उसको ऑब्जर्व करने की आदत होती है। जो भी अपने आसपास घटित हो रहा है वह इसे इस तरह से ऑब्जर्व करता है जैसे वहाँ हो रही घटनाएँ उसके जीवन का हिस्सा है। जीतू ने भी यही किया। जब वह कोटा गए तब वह एक स्टूडेंट की हैसियत से वहाँ गए थे, लेकिन कोटा फैक्ट्री नाम की वेब सीरीज में उन्होंने किरदार निभाया एक टीचर का। जो व्यक्ति स्टूडेंट बनकर रहा हो और टीचर की एक्टिंग करनी पड़े तो ये कमाल का काम सिर्फ ऑब्जर्वर ही कर सकता है। और जितेंद्र कुमार ने अपने इस किरदार को इस तरह से निभाया जैसे उसे जिया हो, इसलिए आजकल जीतू भैया बहुत ही फेमस हो गए। और जितेंद्र कुमार ने इस किरदार को ऐसे निभाया नहीं, इस तरह से जिया कि लगा कि वो साक्षात टीचर ही है। ऑब्जर्वेशन एक कमाल की टेक्निक है जिससे एक एक्टर एक बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। जॉइन फिल्म्स एकेडमी में चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड का वीडियो कोर्स हो या स्विच ऑन स्विच ऑफ बुक हो या फिर प्रैक्टिकल कोर्स हो मुंबई में, सब में ऑब्जर्वेशन पे हम लोग स्पेशली ध्यान देते हैं और ऐसी प्रैक्टिस कराते हैं कि पहली क्लास में ही उनको मजा आ जाता है और ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि आज की मॉर्निंग क्लास में मैंने ये एक्सरसाइज कराई है और अभी ये वीडियो कर रहा हूँ, तो दोनों बातें एक साथ मैच हो गई। तो ऑब्जर्वेशन से एक एक्टर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जितेंद्र पढ़ाई में अच्छे थे इसलिए एक अच्छी रैंक से एंट्रेंस क्लियर किया और पहुंच गए IIT खड़गपुर एक सिविल इंजीनियर बनने के लिए। जब वह कॉलेज पहुंचे तो उनके सीनियर्स ने उनकी काफ़ी रैगिंग की और जीतू से पूछा कि बताओ तुम्हें सबसे अच्छा क्या आता है। जीतू का सिंपल सा जवाब था एक्टिंग। जीतू को लगा कि वह अमिताभ बच्चन या नाना पाटेकर में से किसी की भी मिमिक्री कर देंगे, सीनियर खुश हो जाएंगे। लेकिन उनके सीनियर्स ने उन्हें फेमस अमेरिकी एक्टर अल पचीनो की फेमस फिल्म सेंट ऑफ वुमेन की तर्ज पर इंग्लिश में डायलॉग बोलने के लिए कहा। जितेंद्र अंदर से घबरा गए, लेकिन एक एक्टर की खूबियां उनमें मौजूद थी तो वह बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें उस समय उस फिल्म के बारे में पता तक नहीं था, फिर भी सीनियर के समझाने के बाद उन्होंने एक्टिंग की तो उनके सीनियर्स काफी इंप्रेस हुए। उन्होंने जितेंद्र की तारीफ की और उन्हें एक्टिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का
पहला रास्ता भी दिखाया। वो रास्ता ये था कि उनके कॉलेज में एक ड्रामा थिएटर भी था। उन्होंने जीतू को सलाह दी कि उन्हें वो ज्वाइन करना चाहिए। जीतू ने वो ड्रामा थिएटर ज्वाइन कर लिया। मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी कहा था ना, अगर गोल आपके माइंड में रहता है तो कहीं ना कहीं बातें बननी शुरू हो जाती। जीतू भैया के साथ भी यही हुआ कि कॉलेज में ही उनको एक्टिंग करने का मौका मिल गया और वहीं से उनकी एक्टिंग के करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के दौरान बहुत सारे नाटक किए, इससे वो अपने एक्टिंग के हुनर को निखारते चले गए। वो कहते हैं ना, अगर आप सेल्फ अवेयर हैं, सेल्फ अवेयर मतलब कि आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी अवेयर हैं और फोकस है, मतलब जब शरीर और आत्मा का मिलन होता है ना, तो फिर काम नहीं होता, फिर चमत्कार होता है। आप देखिए किस तरह से चमत्कारिक रूप से जीतू भैया आगे बढ़ते जा रहे हैं। भूल गए यस्ती भाई, हीरो बन के भगाने निकले थे सबसे लड़के, क्या नाम है उसका, रानी अस्थाना को। अपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद जितेंद्र बैंगलोर चले गए। वहां उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब शुरू कर दी, लेकिन उनकी आत्मा मुंबई में ही बसती थी। वो जॉब उन्होंने मात्र 8 महीने की और उसे छोड़ दिया। कॉलेज में उनके सीनियर थे एक इंसान जिनका नाम था विश्वपति सरकार। वो TVF से बहुत पहले ही जुड़ गए थे। वह जितेंद्र की प्रतिभा को पहले से ही पहचानते थे। उन्होंने जीतू को मुंबई बुला लिया और TVF में काम करने का ऑफर दिया। जीतू को तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई। जीतू को उनका पहला रोल मिला मुन्ना जज्बाती के रूप में, जो कि उन्होंने इतने बढ़िया ढंग से निभाया कि देखते ही देखते वो वायरल हो गया और उस पर 30 लाख व्यूज आ गए। मैंने पहले भी और कई बार आपसे कहा है कि अगर आप जीतोड़ मेहनत करते हैं, अपने आर्ट पर, अपने क्राफ्ट पर काम करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। उनको कॉलेज में मौका मिला, उन्होंने मन लगाकर काम किया, इससे वो सीनियर्स के दिमाग में अपनी छाप छोड़ पाए और उन सीनियर्स को जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुंबई बुला लिया। इसी तरह से तो रास्ते बनते हैं। आप अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपको देख रहा होगा और आगे आपके मौके में वो आपकी सहायता भी करेगा। TVF में उनके बड़े चर्चे हो गए और उसके बाद उनको एक और कॉमेडी शो मिला स्केच, जिसमें अरविंद केजरीवाल का उन्होंने मिमिक्री किया, अर्जुन केजरीवाल करके। इसके बाद TVF का एक और शो मिला पिक्चर्स और बैचलर्स, उसमें भी वो मेन रोल में थे और बहुत चर्चित हुए। अब एक ऐसा एक्टर जो जहां जा रहा है वहां कमाल कर रहा है, धमाल कर रहा है, फिर ऐसी क्या वजह थी कि NSD में एडमिशन नहीं मिला। हुआ ये था कि NSD में वो एडमिशन के लिए गए थे तो पहला राउंड तो उन्होंने क्लियर कर लिया, लेकिन दूसरे राउंड में फेल हो गए। लेकिन फेल वो NSD से हुए थे, जिंदगी में फेल नहीं हुए थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जीतू ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और ना ही ये चीज छोड़ी कि मैं एक्टर नहीं बन सकता, भले ही NSD ने मुझे फेल कर दिया है, लेकिन एक्टर तो मैं बन के रहूंगा क्योंकि मैं एक्टिंग ही जानता हूं, एक्टिंग ही करता हूं। हम कई बार कुछ असफलताओं से ना टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और डिसीजन ले लेते हैं कि अब ये नहीं हो सकता। देखिए, कोई भी एक व्यक्ति, कोई एक सिचुएशन आपका करियर डिजाइन नहीं कर सकता। आप और आप, सिर्फ आप तय करते हैं आपको कितना आगे जाना है, कहां तक जाना है। अगर आप चलते रहेंगे अपनी मंजिल की ओर तो एक ना एक दिन तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन रुक गए तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से आपको अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। आप किसी भी सिचुएशन को या किसी भी पर्सन को दोषी नहीं ठहरा सकते। देखा जाए तो जीतू के पास IIT की डिग्री थी, बहुत अच्छा जॉब भी मिल गया था और उनकी मंशा थी एक्टिंग की। उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक निश्चय किया, दृढ़ निश्चय किया और नौकरी छोड़ के मुंबई चले गए। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो उसके लिए उन्होंने जॉब या फिर ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। तो देखिए, कहां तो हमने अपने करियर के लिए, अपने ड्रीम करियर के लिए जॉब छोड़ा, लेकिन अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो जो भी आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए उसके लिए काम कर लिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको बस ये तय करना होगा। होता यह है कि एक जॉब मिलने के बाद हम बहुत डर जाते हैं। मैं अगर बोलूं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की, ऑफलाइन क्लासेस में भी अभी भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी जॉब दांव पे लगा के आए हैं, लेकिन मैंने देखा है वो सारे सक्सेसफुल होते हैं। मतलब कह सकता हूँ 16-17 लोगों की तो जॉब मैं भी छुड़ा चुका हूँ। आज वो बॉलीवुड में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है उनके चेहरे पे खुशी देखकर, क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया, सोचा कि चलो सीखते हैं। होता यह है कि जब आप जॉब में होते हैं डरने की जरूरत नहीं है। आप जॉब में आ गए, आप ज़्यादा मैच्योर हैं, आपसे वो गलतियाँ नहीं होंगी जो नए लड़के लड़कियों से हो जाती हैं। आप टाइम की कीमत समझते हैं, आप पैसे की कीमत समझते हैं, आप सीखने की कीमत समझते हैं, तो आप सही दिशा में सही से काम करेंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता सबको मिल जाती है जो एक निश्चय दृढ़ निश्चय कर लेता है, जैसा कि जीतू भैया ने किया। उनका सपना बॉलीवुड का था। उनकी पहली फिल्म आई कैशलेस, जो कि कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसी साल आई उनकी वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री ने सफलता के परचम लहरा दिए। वो इतनी ज़्यादा पसंद की गई कि YouTube पर उसके व्यूज करोड़ों में हैं और यहीं से जितेंद्र कुमार हो गए जीतू भैया। अब तो बात यहां तक आ गई है कि जीतू भैया वेब सीरीज किंग हो चुके हैं। लोग उनकी वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 2020 में आई उनकी वेब सीरीज पंचायत, चमन बहार दोनों ही हिट रहीं। पंचायत को कुछ ज़्यादा ही पसंद किया गया।
बॉलीवुड में सफलता का उनका सपना तब पूरा हुआ जब आयुष्मान खुराना के साथ जीतू की फिल्म आई शुभ मंगल ज्यादा सावधान। अगर ओवरऑल कंक्लूड करूं देखा जाए तो जितेंद्र बनना तो चाहते थे एक्टर, उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं था, कोई ऐसी फाइनेंशियल चीज भी नहीं थी कि उनको कोई सपोर्ट कर दे, पढ़ाई भी करनी थी, मिडिल क्लास फैमिली से थे वो भी चल रहा था, लेकिन उन्हें अपने जो एक्टर बनने का सपना था ना उसको मरने नहीं दिया, उसको जिंदा रखा और राहें बनती चली गई और एक के बाद एक वो कदम लेते चले गए। वो किसी भी चीज से घबराए नहीं कि नहीं यूट्यूब से करियर शुरू करूंगा तो मैं फिल्मों में नहीं जा पाऊंगा। आप जहां हैं बहुत लकी हैं आज का समय, क्योंकि आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हैं। अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप जॉइंट फिल्म्स की हेल्पलाइन नंबर पर सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं ऑफिस टाइम में। आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए बॉलीवुड में आने के लिए। समझदारी से आएंगे तो परेशान नहीं होंगे, और जल्दबाजी में आएंगे तो हाँ परेशानी जरूर होगी। स्ट्रगल तभी होती है जब आपको कुछ पता नहीं है या फिर वो काम आता नहीं है। अगर आपको वो काम आता है और पता है कि कैसे करना है तो स्ट्रगल है ही काम। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इंस्पिरेशन मिला होगा, मोटिवेशन मिला होगा और आपके सपने ने अब थोड़े सा जगने की कोशिश की होगी। यही मेरा मिशन है कि जितने भी हिंदुस्तान में कलाकार हैं वो अगर अपना काम करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ हाथ मिला सकूं, उनको आगे बढ़ाने में एक कदम चल सकूं, उनको मोटिवेट करूं, उनको गाइड करूं, अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग दूं, लेकिन उनके सपने को मरने ना दूं। बस यही जॉइंट फिल्म्स का मिशन है। अगर आप मेरे मिशन के साथ शामिल होना चाहते हैं तो मेरा साथ दे सकते हैं वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, वीडियोस को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आज हमने देखा है कि हमारे वीडियोस तकरीबन 8 से 10 मिलियन लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बनते, तो टीम को ना कभी कभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि इतने सारे लोग देखते हैं, अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, तो मेरे लिए ना सही टीम के लिए एक बार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं सिर्फ तो ही, ओके, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। वीडियो को प्यार से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।